हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्ट्रीट पुर्किस। और मैं आज आ चुका हूँ भाई दादी की रसोई, जहाँ पर एक अंकल ने स्टार्ट करी है ये दादी की रसोई। वहाँ पर आपको 5 रुपये खाना मिलेगा, और जो यहाँ पर रहते हैं ना, जो ई रिक्शा वाले चलाते हैं यहाँ पर, और हमारे लिए भी है ये कि 5 रुपये में कोई भी नहीं देखा कि ऐसे खाना कोई। और इनका जो शॉप ये खुला है, इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल सर्विस भी बोल सकते हैं। और ये दुकान 4-5 साल से चल रहा है और अभी भी चले आ रहा है, और जाते हैं और उनसे मिलते हैं कि उन्होंने क्या क्या डेवलप करा है और सोशल सर्विस और भी करे होंगे उन्होंने, उनसे बातचीत करते हैं थोड़ा सा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जितना सपोर्ट मुझे BMW वाले में और फुकरी चैलेंज में मिला था ना, उतना ही सपोर्ट दादी की रसोई वाले में भी देना मुझे। और मिलते हैं उनके ओनर से। सामने आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कपड़े सब रखे हुए हैं, ये अंकल 10 रुपये में बेचते हैं, और ये 5-6 सालों से लगातार चले आ रहे हैं यहाँ पर कि कपड़ा आपको 10 रुपये में देंगे अंकल। और ये दिख रहे हैं जो स्कूल के बच्चे से लेकर छोटे बच्चे जो यहाँ पर काम करते हैं, वो सब यहाँ पर डेली बेसिस पर आते हैं और डेली विजिट करते हैं। और स्टूडेंट को खासकर अंकल बहुत पसंद करते हैं, उनको चॉकलेट्स भी ज़्यादा देते हैं और रसगुल्ला भी ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंकल खुद उनके हाथों से बांट रहे हैं अचार के साथ, सब कुछ यहाँ पर रेडी रहता है साइड में। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर जो सिटिंग प्लेस है, यहाँ पर बैठ के जो बच्चे खा रहे हैं यहाँ पर, और बड़े से लेकर छोटे तक यहीं पर ही बैठ के खाते हैं खाना। तो गाइस, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको खाने के बाद ना, यहाँ पर पानी की सुविधा भी है और यहाँ पर कोल्ड पानी आता है। तो वैसे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर जो सेटिंग रखा हुआ है ना, ये ड्रेसेस, ये सब शादी के हैं, ये भी 10 रुपये में दिए जाते हैं। और यहाँ पर अंकल ने TV भी लगाया है और AC भी लगा हुआ है यहाँ पर, और सारी सुविधाएँ के साथ अवेलेबल है। और ये देख सकते हैं आप, जस्ट डायल से भी वेरीफाइड है। और यहाँ पर अंकल ने बहुत सारी फ़ोटोज़ और अमिताभ बच्चन की सिग्नेचर्स और दवाई की वो सब रखे हुए हैं यहाँ पर। नमस्ते अंकल, आपका नाम? मेरा नाम अनूप खन्ना है। अनूप खन्ना सर, आप ये दादी की रसोई कितने सालों से चला आते रहो अभी तक, मतलब कितने साल हो गए? 21 अगस्त 2015 से हम लोग इसको चला रहे हैं, तो 6-7 से ऊपर, 6-7 साल ऊपर हो चुके हैं। तो मतलब सर, आपके मन में कैसा आया कि मतलब एक तरीके से बोला जाए तो ये सोशल सर्विस भी बोल सकते हैं और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं, तो 5 रुपये का खाना आप बांट रहे लोगों को, और ये खाना जो है ई रिक्शा वाले से लेकर और जो पुअर पीपल जो रहते हैं रोड में उनसे लेकर और बड़े बड़े जो भी रहते हैं वो भी आपको आपकी दुकान में विजिट करने आते हैं, तो कैसे? शुरू से ही कुछ ना कुछ सोशल काम करने के हमारा रहा है, तो पिछले 20-25 सालों में आप लोग जो सोशल वर्क सोच सकते हैं वो सारे मैंने करे हैं। पॉलिथीन का काम जो था 2007 में शुरू करा था हमने, नो फ्यूल डे के नाम से हमने चलाया था 2009 में कैंपेन किया, हमें पेट्रोल डीजल बचाना चाहिए, पोस्टमार्टम हाउस में डेड बॉडी सड़ी गली पड़ी रहती थी, तो वहाँ हमने पूरा डीप फ्रीजर, जनरेटर और AC वगैरह लगवाए थे, मतलब कुछ ना कुछ करते रहे। कहीं बाढ़ आती थी तो जैसे बिहार में बाढ़ आई थी तो पुणे के आगे बनबन की जगह है, वहाँ गया था मैं खुद, 1 हफ्ता लगा के आया था। इसी तरह केदारनाथ में जब क्लाउड बस्ट हुआ था तो वहाँ पे भी हम गए थे, यहाँ से काफ़ी मदद लेके। 16 तारीख की रात में हुआ था, 20 तारीख में सबसे पहले मदद हम लोगों ने पहुँचाई। अच्छा, तो ये एक दिन का मामला नहीं है, ये लगातार चलता रहता है। और हमारे दिल में इच्छा थी कि हम कुछ सिविक सेंस भी दे सकें, खाना देना तो एक पर्पस था ही था, और उसके साथ में ये था कि पैसे जरूर लेने चाहिए, किसी को कभी कोई फ्री मत देना चाहिए। तो जो हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन चला रहा है पॉलिटिकल पार्टीज भी, यार ये फ्री दे रहे हैं, तो फ्री का तो कोई एंड नहीं है, ऐसे रिजर्वेशन का एंड नहीं है, ऐसे फ्री का एंड नहीं है। आप चीज़ें इतनी सस्ती कर दें कि इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हमने दादी की रसोई का कंसेप्ट सोचा, हमारी मदर ने मेरे को कहा एक दिन, तो बच्चे बोले पापा दादी की इच्छा शुरू कर देते हैं। तो जब मैं शुरू करा तो सबसे पहले यही तय करा कि इसके कुछ ना कुछ नॉमिनल पैसे जरूर रखेंगे। उसमें ये तय करा गया कि 5 रुपये एक ऐसी फिगर होती है कि जो आदमी इजीली दे सकता है और उसका स्वाभिमान भी बरकरार रहता है। तो 5 रुपये हमने रखा था दाल चावल और अचार से शुरू करा था।
धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ाना शुरू करें, किसी ने अपना जन्मदिन मनाया, किसी ने कुछ करा, तो आज आप देख रहे हैं कि किस स्टेज पे आ चुके हैं। इसके अंदर रसगुल्ला भी है, पेड़ा भी है, फ्रूट्स भी हैं, बच्चों के लिए मंच है, फ्रूटी है और रोटी तो दे ही रहे हैं साथ में हम लोग। आई मीन बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करती हैं, देसी घी का हमारा शुरू से कंसेप्ट है और इसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाली जाती हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ये था कि ज़रूरतमंदों को अच्छी, जो हम लोग अपने घर में खाना खाते हैं वही खाना इन लोगों को उससे बढ़िया खाना हम प्रोवाइड कर सकें, लेकिन साथ में हमने आपने देखा कितना बढ़िया डिसिप्लिन है, डांट के रखते हैं सबको, रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। आप लाइन में नहीं है तो दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा आपको। ₹5 का सिक्का भी आपने देखा आपके सामने, में किसी को डांट रहा था, बुरा भी लगता है कई बार, लेकिन ये कि अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो यहाँ तो भगदड़ मच जाएगी। आपने देखा हर आदमी अपने हाथ में ₹5 का सिक्का रखता है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है? पेट्रोल पंप पे जाते हैं, जब आप देखा पूरा पेट्रोल भर जाता है, उसके बाद में आदमी जो है फिर अपनी जेब में हाथ डालता है। अगर आपको पेट्रोल जब भर, जिस टाइम भरा जा रहा है उसी टाइम पैसे निकाल के दे दें तो अपना भी समय बचेगा, पीछे वाले का समय बचेगा। तो वो हमने यहाँ फॉलो करा है, आप यहाँ खड़े हो गए फिर जेब में हाथ डालेंगे तो आपको दोबारा लाइन में जाना पड़ेगा। ऐसी तरह से गाड़ी पार्किंग में है, अगर आपने उल्टी सीधी लगाई है तो नहीं देते। स्कूल के बच्चे अब हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर दूर खड़ी करके आते हैं क्योंकि बगैर हेलमेट के मैं खाना नहीं देता हूँ। तो ये छोटी छोटी सी बातें हमने खाने के साथ में, चूंकि खाना बहुत अच्छा है, बच्चों को आना भी है, तो एक सिविक सेंस देने की कोशिश करी गई है कि आपको एक अच्छा इंसान भी बनना चाहिए। अब जब हमने दादी की रसोई शुरू करी तो कुछ लोगों ने 4-5 महीने बाद ही बोले कि यहाँ जरूरतमंद आ रहे हैं, हम कपड़े भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो ये हुआ कि कपड़े जब देने शुरू करे तो हमने उसमें भी ये रखा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ आपके माध्यम से कि दान देते हुए हमेशा आपकी भावना भी दान देने वाली होनी चाहिए, दान हमेशा चलकर देना चाहिए, मांगी हमेशा भीग जाती है। तो हमने दादी की रसोई में आज तक कभी किसी से ₹1 नहीं मांगा। हम कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, जितने पैसे होंगे उस हिसाब से काम करेंगे हम लोग। तो जब हमने कपड़े लेने शुरू करे तो हमने कपड़ों में भी ये रखा है कि धोकर प्रेस करा के देने होंगे। जब आप अपने घर से कपड़े देने चल रहे हैं, जब आप धोएंगे प्रेस कराएंगे तो आपके अंदर एक भावना पैदा होगी, वैरायटी चेंज होती है। आज जैसे राजमा बना है, कल कुछ और बनेगा, अरहर की दाल है, चने की दाल है, सफेद छोले हैं, काले छोले हैं, इसमें भी चेंज होती रहती है। 50% से ज्यादा आदमी तो रिपीट होता है ना, उसे एक ही चीज नहीं खिला सकते। हम लोग स्कूल में होते थे, बाहर निकलते थे, जो चूरन वाले की दुख होते थे तो, या मीठी गोलियां होती थी हम लोग, या वो बर्फ वाला तो चलता नहीं है जिसके देते थे, उसमें लाल रंग का वो जो डालता था। आई मीन ये बच्चों के अंदर रहता है छुट्टी के बाद में कुछ ना कुछ। अब आप देखिए बच्चों को ₹5 में खाना भी मिल रहा है, जबकि आपके सामने मैंने पूछा रोटी लोगे, उन्हें आए मंच खाने के लिए, वो मीठा खाने के लिए आए, मुझे पता है कोई फ्रूटी मांगने आता है। लेकिन हाँ, हमने एक और काम करा है, एक ही बच्चा अगर कोई मांगेगा ना तो उसे नहीं देते। मैं हमेशा कहता हूँ नीडी होना चाहिए, ग्रीडी नहीं होना चाहिए। कल को बच्चे ये ना सोचे ₹5 में वहां तो ₹20 की हमें फ्रूटी भी मिल रही है, मंच भी मिल रहा है, देने को हम सारी चीजें दे देंगे, लेकिन अगर आप मांगेंगे तो नहीं देते। पूरे देश के अंदर जिसको भी आपने जरा सी फैसिलिटी दी वो अपना हक समझने लगता है। यह हक नहीं है, हक तो सिर्फ भाई साहब मैं ₹5 में आपको खाना ही दे सकता हूँ, दाल चावल अचार, वो मेरी तरफ से। बाकी चीजें अगर लोगों का सहयोग है तो मिल रहा है, कल को अगर नहीं देंगे तो ये कुछ नहीं मिलने वाला, तो इसमें अपना हक मत होना है। तो किसी ने कहा भाई साहब मुझे रोटी नहीं दी, नहीं मिलेगी क्योंकि रोटी हमारे इस पैक में नहीं है, ये बाकी चीजें जो हम दे रहे हैं ये हमारे पास होंगी तो दे सकेंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। अब जैसे ये रेस्टोरेंट बनाया हमने, एसी लगवा दिया, टीवी लगवा दिया, ₹5 का हिंदुस्तान का पहला एसी रेस्टोरेंट है, जैसे मैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स आप लोग जाते हैं पुराण प्लेस वगैरह में, सेम बनाया है, अगले सीजन में लोग अंदर बैठ के खाएंगे। मेरे सिर्फ इतना कहने का मकसद ये है कि हम जो भी काम करें लंबे समय के लिए करें, अपने बलबूते करें, दान के ऊपर हम डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। आएगा तो हम उसमें चीजें ऐड कर देंगे, नहीं आएगा तो उन चीजों को खत्म कर देंगे। दाल चावल अचार बेसिक चीज वो हम दे सकते हैं, कपड़े में मेरा कुछ नहीं लगता, कपड़ा दे सकते हैं। और इसी तरह से दवाई की जो है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र वो अपना ले रखा है, तो हमारा है रोटी कपड़ा और दवाई। तो ₹5 में खाना, ₹10 में कपड़े और सस्ती दवाइयाँ, ये सारी जिंदगी दे सकते हैं। तो ले जाए के 1-1 लाख रुपए के हैं, 10-20 हज़ार रुपए भेज एक्सपेंसिव है, तो उसको हमने क्या करा है कि हम वापस जरूर लेते हैं उनसे, तो ड्राई क्लीनिंग करा के। और ये कहते हैं ड्राई क्लीनिंग कॉस्ट आपकी है सिर्फ, और उसमें आप अल्टर कराइए कुछ कराइए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम चाहते हैं कि जिसने हम पे विश्वास करके चीज़ दी है वो सही जगह जाए। अच्छे 20-25 शादियां कर चुके हैं उससे हम लोग। और एक चीज और यहाँ ऐड करना चाहूंगा, कुछ लोग गाड़ी वाड़ी से आते थे, कह लेंगे साहब आपका ₹5 रेट है, और फिर लगा कि हाँ यार गलत बात तो है, और अपने प्लेटें भी ले जाते थे, ऑफिस वाले भी मंगाते थे खाना, किसी ने टिफिन भेज दिया। तो हमने यह सिस्टम बनाया, जब हमने यहाँ आए हमने यहाँ रखा है, लेटेस्ट है ये,
कि अगर कोई यहाँ खड़े होके खाएगा उसके लिए 5 रुपए रेट है, अगर आप प्लेट लेके जा रहे हैं तो आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। सो देट उनको अवॉइड करना कि आप एक गरीब का हक मार रहे हैं। हम आपको तो नहीं मना कर सकते, हमें तो अंदाजा भी नहीं कि आजकल की आप कौन अमीर है कौन गरीब है, लेकिन अगर आप रिक्शा वाले के साथ खड़े होकर खा सकते हैं तो आपका स्वागत है। यहाँ खड़े होकर 5 रुपए में खाइए, अगर आपको लगती है शर्म तो आप 50 रुपए दीजिए। तो 50 रुपए में आज तक सुन के आपको अच्छा भी लगेगा, सिर्फ 5 प्लेट बिकी है मेरी। लोग 5 रुपए में, हाँ पहले तो अपने मंगाते थे, लेकिन यहाँ खड़े होकर खाने में अगर समर्थ आदमी है तो हम चाहते भी यही है कि जो समर्थ आदमी है, अगर वो मैंने लिखा भी है यहाँ पर, अगर समर्थ व्यक्ति भोजन नहीं ले रहा है तो दादी की रसोई में ये उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम 400 से 500 आदमी को खिला सकते हैं। अगर उनमें 200 आदमी समर्थ लोग खा रहे हैं तो उनका जा रहा है। तो एक तरह से हम चाहते भी हैं कि समर्थ लोग ना खाए यहाँ पर, और जितना भी खाना बने जो जरूरतमंद है उन तक पहुँचे, स्वाभिमान के साथ में पहुँचे, उनकी जो हमने एक फीलिंग्स रखी है कि उनको खाते हुए एक लगे कि जो हम अपने घर में इतना बढ़िया खाना नहीं खाते, उससे अच्छा खाना हम यहाँ देने की कोशिश करते हैं। कम से कम 400 से 500 लोगों ने इस तरह का शुरू कराया। एक्चुअली क्या होता है, बड़ा काम हम लोग कर नहीं पाते हैं, छोटा काम करते नहीं हैं, इसलिए हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ व्हाट्सअप करते हैं और एक दूसरे को सलाह देते रहते हैं। जब लोगों ने ये देखा 6 साल पहले कि यार एक भगवाना लेके एक बुढ़ा सा आदमी आ रहा है, ये तो बड़ा आराम से खिला रहा है, इसमें तो कुछ लगता ही नहीं, तो उन्हें लगा बड़ा ईजी कंसेप्ट है ये, तो जगह जगह शुरू हो गया। मेरे से बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहा है, हल्द्वानी में है एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने शुरू कराया है थालसेवा के नाम से, वो 1500-2000 आदमी को खिला रहे हैं। पटियाला में है, वो 3000 आदमी को खाना खिला रहा है, मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा काम कर रहा है मेरा एक ना। लेकिन वो कहते हैं कि आपने हमें रास्ता दिखाया, मैं कहता यार देखो रास्ता दिखाना सवाल इस चीज का है कि हम सोचते रह जाते हैं कि बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, छोटे से शुरुआत करें, कहीं से भी शुरुआत करें, 10 आदमी को खाना खिलाना शुरू कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे बड़ी चीज अपने आप हो जाती है। लोगों ने मेरे से पूछते हैं, बोले 5 रुपए रेट कब तक रहेगा आपका वाला सवाल। अच्छा। मैं कहता हूँ जब तक 5 रुपए का सिक्का बंद नहीं हो रहा है, उसके बाद में डिजिटल कर देंगे, 5 रुपए पेटीएम कर देंगे। और आप कह रहे हैं ये बहुत सोशल वर्क है, मैं अपनी मस्ती के लिए काम कर रहा हूँ, यहाँ आए हैं आप तफरी के लिए, मैं जैसा हूँ पूरा मस्ती का माहौल रहता है, जितने बच्चे आते हैं खूब हंसी खुशी हम लोग रहते हैं यहाँ पर, और खुशी खुशी रहते हैं, और कोई साधु वाली बात नहीं है मेरे साथ, मैं भी आप जैसे ही इंसान हूँ। मेरा बेटा हांगकांग में सेटल्ड है, बेटी मेरी हैदराबाद है, दोनों की शादी कर दी है, 2 ही बच्चे हैं, अब किसके लिए करना, कहाँ तक करना और क्यों करना, एंजॉय करो लाइफ को। भैया मतलब कितने सालों से यहाँ पर विजिट कर रहे हो? कितने दिन से? 10 दिन से। तो यहाँ का खाना और बाहर के खाने में क्या डिफरेंस है, और आपको कैसे पसंद आया ये वाला खाना? खाना तो बहुत अच्छा पसंद आया है, खाना में कोई दिक्कत नहीं है, 5 रुपये में भरपेट खा लेते हैं, 5 रुपये भरपूर खा सकते हैं। और भैया ने भी जैसा बोला कि 5 रुपये में कोई नहीं देगा, और हमारे लिए तो ये है कि 5 रुपये खाना बहुत ही बढ़िया चीज़ है यहाँ पर। 5 रुपये खाने में जो है, 5 रुपये में क्या चीज़, कुछ नहीं मिलता, बढ़िया टेस्ट है, बढ़िया खाना है, दादी की रसोई है, घर का खाना है, घर का खाना है। और कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हो? मैं भी 15-20 दिनों से। 15-20 दिनों से, तो आपको मतलब कैसा लगा ये वाला? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बच्चे लोग आप कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं 4-5 दिन से आ रहा हूँ। 4-5 दिन से। हाँ। और यहाँ पर कैसे है खाना, कैसे है? अच्छा है। और क्या क्या मिलता है यहाँ पर? दाल चावल और बिस्किट मिलता है। हाँ। और कैसे पेट भर जाता है तुम्हारा? हाँ। कितने रुपये मिलता है यहाँ पर? 5 रुपये का। और तुम भी बताओ, तुम तो खा रहे हो बैठ के, वहाँ पर बताओ कैसे लगा खाना? हमें अच्छा लगा है खाना। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हाँ। और रोज आओगे यहाँ पर? हाँ। और बोला आप बताओ कैसा लगा खाना? खाना अच्छा लगा। तो गाइस फाइनली मैं प्लेटिंग लगाने जा रहा हूँ, वहाँ पर जाके देखते हैं कि क्या क्या वैरायटीज़ है, और डेली जो है ना खाना चेंज होता ही रहता है डेली, और जो छोटे बच्चों के लिए है ना स्पेशली चॉकलेट और जो रसगुल्ला और जो फ्रूट्स होते हैं ना वो भी दिया जाता है यहाँ पर। चलो चलते हैं और लगाते हैं हमारी प्लेटिंग। यहाँ पर मैं लाइन में लग चुका हूँ, और आगे से देख सकते हैं अंकल हमारे लिए खाना दे रहे हैं, और इनके हाथों से दे रहे हैं खाना, और स्पेशली आज चावल और इसके साथ है राजमा। चावल और राजमा है, और देख खाते हैं। हाँ हाँ खाते हैं। तो इतने गरम गरम खाना दे रहे हैं अंकल, और मेरे को देखते लग गया भाई होमली फूड है। यहाँ पर दे रहे हैं अंकल अचार, अचार के साथ ये क्या क्या अंकल? पेड़ा है, पेड़ा रसगुल्ला भी है, पेड़ा रसगुल्ला और फ्रूट्स में आपको ये
अमरूद आजकल पेट के लिए अच्छा है। ठीक है गाइस, फाइनली मेरे मास्क आपने नहीं डाला। और देखो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए अंकल ने ये भी दिया हुआ है मास्क, और ये भी फ्री अंकल, पांच रुपए में सब कुछ। मास्क तो सबके लिए पूरा 2 साल से फ्री चल रहा है। ये देखो रोटी चाहिए आपको? नहीं रोटी नहीं। देखो अंकल भी कह रहे रोटी भी खा लो बेटा, तो पहले खा लेंगे उसके बाद चाहिए। तो ये देख सकते हैं मेरा प्लेट पूरा भर चुका है यहाँ पर और मास्क के साथ। चलो चलते हैं और इसकी टेस्टिंग करते थोड़ा सा। तो गाइस मैं फाइनली राजमा चावल खाने जा रहा हूँ। और यार एक बाइट ही लिया था, एक बाइट लेने के बाद ना जो होमली फूड बोलते हैं ना, जो घर में दादी बनाते हैं, हमारे नाना बनाते हैं, वैसे ही टेस्ट है सब कुछ। मैं आपको रिव्यू नहीं देने वाला, बस बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा टेस्ट है और 5 रुपये में इतना कोई भी नहीं देगा। गाइस आप विजिट कर सकते हैं, आपको मैं लोकेशन बता देता हूँ, ये नोएडा सेक्टर 29 पड़ता है। आप आ सकते हो और आराम से फूड को खा सकते हो, और इतना तो कोई भी नहीं देगा। फ्रूट्स भी दे रहे हैं अंकल, सब कुछ दे रहे हैं, और ये चलता रहेगा 5 रुपये का फूड चलता ही रहेगा। तो मैं फिनिश करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ बाद में आपसे। फाइनली मैंने अपना खाना ख़त्म कर लिया है, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जो फ्रूट्स है ना मैं खाऊंगा अभी थोड़ी देर में। मैं बाहर आ चुका हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको होमली फूड खाना है ना, ज़रूर आ जाइए यहां पर नोएडा 29 सेक्टर में, और खाओ पेट भरकर 5 रुपये में, एंजॉय कर सकते हो। बट ये बताना चाहूँगा कि आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा अंकल के लिए भी और ख़ुद के हेल्दी के लिए भी। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, और नई नई चैलेंजेस लेकर आएंगे और नई नई फूड्स लेकर आएंगे आपके लिए। और तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।